दोस्तों ईमानदारी जिहड़ी है वो कमाउणी बहुत औखी है। ईमानदारी जिहड़ी है वो थोड़े मन नूं सुकून दिंदी है। गलत तरीके नाल बहुत लोग पैसे कमा लैंदे है, प्रॉपर्टियां नजायज कब्जे कर लैंदे है, बाहरलियां अदालतां बाहरलियां कचहरियां वधिया वकील करके बाहरलियां कचहरियां चो बरी भी हो जांदे ने, पर जिहड़ी कचहरी मन दे अंदर लगदी है सच्चाई उहदे चो कोई जमानत नहीं मिलदी। उन्होंने मन च डर बने ही रहिंदा है, मैं अज ना फड़िया जावा मैं अज ना फड़िया पर वो कहिंदे आ भी दुनिया फिर किसी ना किसी तरीके नाल तां चलदी है, सारे लोग इको जिहे नहीं हुंदे। मेरे आले दुआले जो दो होनहार मुलाजम बैठे ने पीआरटीसी दे, डिंपल कुमार एक कंडक्टर ने पीआरटीसी च, सुखचैन सिंह ड्राइवर ने पीआरटीसी च। पिछले दिन तुसीं खबर देखी होनी पढ़ी होनी कि एक किसान उन्हें ट्रैक्टर लेना सी, वो अपना पैसों का बैग लैके चढ़िया, तो बैग जिहड़ा है वह भुल गया बस च, बस अगे चली गई, बाद दे विच संपर्क किया गया इन्हां वल्लों, जो बैग इन्हां नूं मिलिया तां उन्होंने सारे पैसे जिहड़े ने इन्हां दो मुलाजमां ने उन्हूं वापस कर 4,30,000 तों उपर पैसे सीगे। ते बाकी इह दसंगे कि किवें उह हट दित्ती, किवें होया उह घटना, ते इन्हां ने किवें अज दे जमाने च ईमानदारी की एक मिसाल पैदा। मैं डिंपल कुमार जी, पिंड मेरा घराचों है डिस्ट्रिक्ट संगरूर दे विच, मैं पीआरटीसी दे विच पिछले 6 सालों तो जॉब कर रहा जी। मेरे पिता जी साइकिल मैकेनिक ने, वह साइकिलों का काम करते हैं, तो पर मैंने उन्होंने सिर्फ एको ही गल दसी है भी नेकी दे राह ते चलना, बेशक अद्धी रोटी खा लो जिदे नाल तुहाडे मन नूं सुकून मिलेगा। तो उसे उन्हें राह के उत्ते चलदे हुए असीं अपनी पूरी मेहनत दे नाल पीआरटीसी नूं अगे लैके जाण की कोशिश कर रहे हैं, जिदे दौरान सानू 1 तरीक नूं साडे नाल एक सवारी चढ़ी, उस सवारी दे लवे इक उन्हां दा बैग सीगा, बैग वह अपना गड्डी दे विच रख के साइड ते खड़ गए, ते किसी तरीके उन्हां दा जिहड़ा बैग सीगा वह उन्हां नूं दिखिया नहीं हैगा, किसी होर सवारी ने अगे करता सी ते वह बैग विच गड्डी दे रह गया। ते जदों सानू पुछिया भी साडा एक बैग रह गया, वह असीं ने उन्हां नूं दस्सिया भी जे होया तां सानू जरूर देवांगे, ते असीं गड्डी अपने अपने रूट ते लै गए। ते उस तों बाद फिर जदों उन्हां दी साडे लवे कॉल आई, असीं चंडीगढ़ पहुँच चुके सीगे, चंडीगढ़ पहुंच के सानू कहिंदे भी तुहाडी गड्डी च कोई बैग वगैरह रह गया तां दस्सिओ, मैं अपने ड्राइवर नाल संपर्क करके उन्होंने दस्सिया, वह कहिंदे भी मैं चैक करके दसदा, उन्होंने देखिया भी गड्डी दे विच बैग है, फिर असीं उन्होंने कॉल करी उन्होंने नंबर से, उस नंबर से दस्सिया भी तुहाडा बैग साडे लई बैग आ, भी तुसीं इहदे विच दस्सो भी है की सी, क्योंकि असीं चाहुंदे सीगे कन्फर्म करके भी बैग कितें गलत बंदे दे हत्थ नाल चला जावे, भी जिस बंदे की प्रॉपर्टी है असल विच उसे बंदे दे हत्थ नाल जावे। उस बंदे ने दस्सिया भी मेरे बैग दे विच तकरीबन 4,30,000 रुपया कैश है, असीं वह कैश नूं गिणिया, फिर असीं कहा भी होर कोई निशानी, उन्होंने दस्सिया भी साढ़े बैग दे विच एक पर्स है, विच कपड़े ने, पर्स दे विच तकरीबन 2,500 रुपया, असीं कहा भी तुहाडे पर्स असीं खोलिया उहदे विच सानूं फ्रंट ते 500 रुपया दिखिया, असीं कहा भी इह सिर्फ 500 रुपये ही है, वह कहिंदे जी तुसीं अंदरली जेब चैक कर लो, भी उहदे विच 2,000 रुपया होर है, 500 दे 4 नोट है। असीं जदों खोलिया उहदे विच वाकई 2,000 नोट होर सीगे, ते असीं ने उस चीज़ नूं कन्फर्म करके उन्हां नूं कॉल कीती भी तुहाडे पैसे साडे लवे होण चाहे तुहाडे लवे होण वो सेफ ने, भी तुसीं कन्फर्म मतलब कि सवेरे सानूं 1:30 बजे दफ्तर मिलियो पटियाला पीआरटीसी दे विच, असीं तुहाडे उत्ते पेमेंट है जिहड़ी तुहाडी कर देवांगे। ते उह दूर साडे ते तसल्ली कर ली उन्हां ने इस चीज़ दे विच, ते साडा नंबर लै के दूसरे दिन मैं उन्हां नूं कॉल कीती भी मेरी ड्यूटी 7 साल लगी हुई है, मैं 2:16 सासे चलना, इसे कारण मैं आ नहीं सकदा, ते मेरा ड्राइवर आऊगा भी उह तुहानूं सारी पेमेंट कर जाऊगा। उस तरीके फिर उन्होंने जाके पेमेंट अपनी ली है जी, तो तुम बाकी वीडियो अपनी वो देखी होगी किस तरह की पेमेंट की है, तो इनकी सारी अज मैनू बहुत खुशी हो रही है कि इन्हों सम्मानित किया सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी के मॉडल इन्हों भेंट किए हैं, ताकि सच के रस्ते पर चलते रहन, साडे गुरुआं ने भी सिखाया। मैं दोनों मुलाजमान की इन्हों के अफसर की मैं बहुत शलाघा करना, मैं उम्मीद है कि
इस तरह नहीं, क्योंकि की पता है वह बेचारा कहड़िया सोचा च होगा, कितों पैसे लिया होगा। कई बार मन इधर उधर हो जाता, तो फिर भी जो पैसे माँ वापस मिल गए तो इन्होंने एक दिन पैसे संभाल के भी रखे। तो इस गल मैं इन्हों की शलाघा करदा, तो पंजाब सरकार वालों इन्हों एक प्रशंसा पत्र भी मिलेगा। तो इस तरह ड्यूटी करते रहन, लोगों की सेवा करते रहन। सत श्री अकाल।